हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप मेरे सामने ये पौधा देख रहे हैं, ये ड्रैगन फ्रूट का पौधा है और इस पूरा कैक्टस की तरह है। आज मैं इसको आपको ट्रांसप्लांट करना बताऊंगी कि कैसे हम लोग इसको ट्रांसप्लांट करें और कैसे हम लोग इसको अपने गमले में इसको लगा के इससे फ्रूट्स ले सकते हैं। मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो मैं भी इसको ट्रायल पीसिस पे ही लगाऊंगी। और उसको वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक अगर आपने नहीं किया है तो, और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देंगे तो आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप मेरे आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अपना ड्रैगन फ्रूट का प्लांट ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप मिट्टी अपनी बहुत अच्छी वेल ड्रेनड सॉइल मिट्टी तैयार करें, अपनी सॉइल मिक्स बहुत अच्छी तैयार करें। खाना जो भी प्लांट के लिए चाहिए वो आप पहले ही इसमें भरपूर मात्रा में दें ताकि आपको 6 महीने 8 महीने इसमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़े। और इस पौधे को पानी भी देने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है क्योंकि कैक्टस ग्रुप का ये प्लांट आता है। तो कोशिश करें कि आप पहले इसमें खाद, नीम खली, किचन वेस्ट, टिंकर पोस्ट, जो भी आपको इसमें मिक्स करना है वो आप पहले तैयार करके इसको रख लें और उसके बाद ही इसमें आप करें। और साथ में ये ट्रेलिस मैंने तैयार किया है, देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको कट कर दिया है पूरा और ये काफ़ी बड़ा है और बहुत संभाल के इसको करना है, नहीं तो फिर ये टूटने के चांसेस इसके हैं। और इसमें काफ़ी सारे देखिए कैक्टस, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसमें कैक्टस हैं। इसको हम लोग बहुत सावधानी से उठा के अपने गमले में रखेंगे और जितने भी एक्स्ट्रा इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं घास पत्ती सब हम लोग हटा देंगे क्योंकि वो सारी सकर्स हैं, वो सब प्लांट्स का न्यूट्रिशन ले लेंगे। तो इसको अब मैं उठा के, इसकी देखिए जड़ काफ़ी मोटी है, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। इसकी जड़ देखिए नीचे से निकली हुई है, काफ़ी अच्छा बड़ा प्लांट है ये। तो देखती हूँ उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, कितने दिन में इसमें फ्रूटिंग आती है, सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी हेल्दी प्लांट लग रहा है, इसकी रूट्स भी काफ़ी देखिए घनी और मोटी हैं और थोड़ा सा मैंने मिट्टी साइड कर दिया है। और इसको हम लोग ये जो मैंने डंडा टेलिस लगाया है इसकी सहायता से बांधेंगे। पहले इसको मैं अच्छे से सेट कर लूँ ताकि ये मिट्टी में सेट हो जाए, उसके बाद मैं इसको बांधूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बीच में सेट कर दिया है और इसको अब मैं इसको धीरे धीरे इसकी सहायता से यहाँ पे बांध दूँ और बांध के आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसको पूरा बांध दिया है और ये सेट कर दिया है। इसी तरह से मैंने देखिए ये मिर्ची का पौधा ट्रांसप्लांट कर दिया है और ये बैंगन का भी पौधा ट्रांसप्लांट कर दिया है। ये देखिए, मैं देखती हूँ और आगे इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है आपको साथ शेयर करूँगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और अब तक आपने, थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।